किताब वाले आपके YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग खान सर का जो सबसे अभी हॉट बुक है मार्केट में अगर बात की जाए तो, क्योंकि दरोगा में 71 क्वेश्चंस लड़ा है इससे, ये दावा कर रहे हैं खान सर अपने वीडियो में, तो उसको भी हम लोग जानेंगे कि कितने क्वेश्चंस आए इससे। और एक है ट्रिकी जीएस की बुक सक्सेस मंत्रा की, जिसमें आपको 1100+ ट्रिक्स के साथ ये बुक मिलता है। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ऑर्डर कर सकते हो, घर बैठे मंगवा सकते हो। और अगर आप ये चीज समझो कि अगर सिर्फ एक पॉकेट जीके बुक से 71 क्वेश्चंस लड़ सकते हैं तो खान सर के क्लास मोड से कितना क्वेश्चंस लड़ेगा, तो खान सर का लेटेस्ट क्लास मोड भी अवेलेबल है, उसका भी लिंक हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप उसको भी वहां से ऑर्डर कर सकते हो, घर बैठे मंगवा सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको पॉकेट जीके बुक ऑर्डर करना है तो इसको भी आप मंगवा सकते हो, साथ में आपको ट्रिकी जीएस का भी बुक कॉम्बो में मिलेगा। अब आइए हम लोग बात करते हैं इस बुक के बारे में। तो यहाँ पे आप टेबल ऑफ कंटेंट देख सकते हो, लगभग सारे टॉपिक, सारे सब टॉपिक्स, जितना भी सब्जेक्ट्स था, करंट अफेयर्स हो या लेटेस्ट टॉपिक्स हो, लेटेस्ट डेटा हो, वो सब कुछ इस बुक के अंदर में कवर कर दिया गया है। साथ ही साथ खान सर के क्लास नोट्स का भी जो लेटेस्ट नोट्स है उसमें आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के साथ वो नोट्स डिजाइन एंड डेवलप्ड है, वो भी आपको फाउंडेशन बैच का नोट्स अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है। तो ये आपका बुक का टेबल ऑफ कंटेंट है जो आप यहाँ पे देख सकते हो, और किसी भी जनरल कंपटीशन एग्जामिनेशन के लिए ये बुक बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। आप यहाँ पे देख सकते हो एक एक टॉपिक को, एक एक सब टॉपिक को इसके अंदर में कवर किया गया, आप चाहे वो एंशियंट मॉडर्न मेडिवल हिस्ट्री हो या पॉलिटी हो या ज्योग्राफी में आपका इंडिया वर्ल्ड हो या इकोनॉमिक्स हो या विज्ञान में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी हो या अंतरिक्ष कार्यक्रम हो या कंप्यूटर हो या मिसलेनियस हो या जो भी करंट के टॉपिक हो। अब आइए हम लोग बुक के अंदर चलते हैं। काफी सारे साथियों का रेगुलर ये हमसे आ रहा था अपडेट कि सर एक बार आप बुक के अंदर का पेजेस को दिखा दीजिए ताकि एक आइडिया लगे कि बुक किस तरीके से डिजाइन एंड डेवलप्ड है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, सब टॉपिक्स है, उसको सेग्रीगेट किया गया है और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स उसको हाईलाइट भी किया गया इस बुक के अंदर में, ठीक है ना। तो जैसे आप लौकिक साहित्य की अगर हम लोग बात करें तो इसको देखो किस तरीके से वन लाइनर अप्रोच में, टू लाइनर अप्रोच में सेग्रीगेट किया गया है, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट डेटा है, जो इंपॉर्टेंट नंबर है उसको हाईलाइट भी किया गया है। तो ये तो हो गई बुक की बात, हमने आपको टेबल ऑफ कंटेंट भी दिखा दिया, साथ ही साथ बुक किस तरीके से डिजाइन एंड डेवलप है वो भी दिखा दिया। अब आइए हम लोग दावे पे आते हैं। खान सर ने वीडियो में कहा कि 71 क्वेश्चंस लड़े हैं और पेपर तो लीक भी हो गया था, उसके बारे में भी सर ने जिक्र किया था अपने वीडियो में, लेकिन कई सारे लोग सर के बारे में वीडियो बना रहे हैं कि सर जो है अपने बुक का प्रमोशन कर रहे हैं, बट सर ने यह भी कहा है कि पेपर लीक हुआ है और पेपर लीक होने की सही जांच होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए, तो सर ने वो भी बात की है। साथ ही साथ सर ने यह बताया है कि कैसे एक बुक से पूरे क्वेश्चन को छाप दिया गया है जो कि गलत है, सर के किताब से इतने क्वेश्चन लड़े फिर भी सर इसको गलत बता रहे हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले पेज नंबर 21 पे चलते हैं। 21 पे एक क्वेश्चन आया था प्रयाग प्रशस्ति से, अगर आपको याद होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी विद्वान था तथा हरिसेन ने इलाहाबाद में स्थित प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। यह क्वेश्चन इस बुक से आया है डायरेक्ट एकदम प्रयाग प्रशस्ति से जो क्वेश्चन था। उसके बाद आइए हम लोग पेज नंबर 60 पे चलते हैं। पेज नंबर 60 जो वास्को डी गामा ने भारत में कब कदम रखा, वास्को डी गामा ने भारत की यात्रा कब की, उससे रिलेटेड था। तो आप यहां पे देख सकते हो ये जो पुर्तगाली वाला टॉपिक है, जो सब टॉपिक है उसके अंदर में आप पढ़ सकते हो कि वास्को डी गामा ने 17 मई 1498 ईस्वी को भारत के पश्चिमी तट पर कालीकेट जो वर्तमान में कोझिकोड है बंदरगाह पर पहुंचकर भारत और यूरोप मध्य नए समुद्री मार्ग की खोज की। तो ये भी आपने देख लिया, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 60 के बाद हम लोग चलते हैं पेज नंबर 230 पे और बुक के अंदर भी हम लोग देखते हुए चलेंगे साथ ही साथ कि किस तरीके से जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उन सारे बुक्स उन सारे फैक्ट्स को जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उन सारे टॉपिक्स को खान सर ने इस बुक के अंदर में पूरा कंप्लीट करने का पूरा कवर करने का कंप्लीट कोशिश किया। अब एक क्वेश्चन था कि भारत का लार्जेस्ट स्टेट, मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का लार्जेस्ट स्टेट कौन सा होगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो राजस्थान और स्थापना वर्ष भी दे दिया गया, राजधानी भी दे दिया, कितने जिले वो भी दे दिया गया, भाषा कौन सी बोली जाती है और यहाँ पे आप देख सकते हो क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर यहाँ पे दिया भी गया है सर्वाधिक, ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन आपका इस बुक से आया है। अभी तक हम लोगों ने ओवरऑल 3 क्वेश्चन देखे। भाई हम लोग पेज नंबर 377-378 पे चलते हैं और जानते हैं कि बुक से सच में वाकई में जो खान सर दावा कर रहे हैं कि क्वेश्चन आया है कि नहीं आया। पेज नंबर 377 में अगर बात की जाए तो विद्युत ऋणात्मकता से क्वेश्चन पूछा गया था। विद्युत ऋणात्मकता से क्वेश्चन जो पूछा गया था आप यहां पे देख सकते हो कि उस क्वेश्चन का जो आंसर था वो भी इसके अंदर में आपको दिख जाएगा। साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है विद्युत ऋणात्मकता से रिलेटेड वो भी आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे इमेज के थ्रू भी बता दिया गया है और आवर्त सारणी जिसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी, उसके माध्यम से भी विद्युत ऋणात्मकता को एक्सप्लेन किया गया। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं पेज नंबर 118 में। पेज नंबर 118 पे चलेंगे साथियों, यह क्वेश्चन आएगा पॉलिटी से, ठीक है। ये पॉलिटी वाला पेज है पेज नंबर 118 और ये चैप्टर है आपका पेज नंबर 118 के अंदर हम लोग हैं। टॉपिक है संघ एवं राज्यों का पुनर्गठन। वीडियो के साथ बने रहिएगा क्योंकि एक एक चीजों को हम लोग आज चेक करेंगे और देखेंगे कि खान सर का जो दावा था वो कितना सही है कितना गलत है। पेज नंबर 117 में अगर हम लोग हैं अभी पेज नंबर 118 में बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक क्वेश्चन आया था संसद द्वारा अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए इस संबंध में अग्निलिखित कानून बनाए गए हैं और ये क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था निवारक विरोध अनुच्छेद से रिलेटेड और इसके अंदर में आप पढ़ सकते हो कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 आतंकवाद निरोधक कानून प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट जिसको पोटा कहते हैं 2002 गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम 2004 निवारक विरोध समवर्ती सूची का विषय है। तो ये आपका क्वेश्चन यहां से आया। उसके बाद आइए हम लोग बात करते हैं पेज नंबर 368 चलते हैं पेज नंबर 368 जिसमें साइंस का क्वेश्चन होगा। आइए हम लोग साइंस भी देख लेते हैं साथ ही साथ आप इसको भी देखते हुए चलिए बुक किस तरीके से टेबल टॉपिक और पीरियोडिक टेबल हो या फिर ग्राफ हो या फिर चार्ट हो किस तरीके से बुक को एक्सप्लेन किया गया। आइए पेज नंबर 368 में चलते हैं साथियों।
पेज नंबर 368 की बात की जाए अगर, तो इसमें क्वेश्चन आता है द्रवों को अलग करने का जो प्रोसीजर है उसके बारे में, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। प्रभाजी आसवन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इस विधि द्वारा कम क्वथनांक अंतर वाले द्रवों का पृथक्करण किया जाता है, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो क्या नाम था। अब आइए हम लोग आ गए हैं पेज नंबर 398 में, इसमें एक H2SO4 से रिलेटेड क्वेश्चन था, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 से अभिक्रिया करकर सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 गैस निर्मित करता है, आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने पूरा इसमें जूम भी कर दिया है। तांबे के रासायनिक गुण के अंदर में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 से अभिक्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड SO2 गैस निर्मित करता है, तो ये भी क्वेश्चन जो है इस बुक से डायरेक्ट पूछा गया। पेज नंबर 249 चलेंगे, बिना आपका समय गवाए हुए हम लोग पेज नंबर 249 चलेंगे। इसमें नई जलोढ़ मिट्टी से रिलेटेड क्वेश्चन था और आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। खादर मिट्टी, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है, यह बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है क्योंकि यह मिट्टी प्रत्येक वर्ष बार द्वारा लाई गई मिट्टी होती है, तो यह भी क्वेश्चन आपको यहां पे दिख रहा होगा। एक क्वेश्चन वर्ल्ड अर्थ डे से था, वो भी आपको इसके अंदर में जो डेट एंड इवेंट्स वाला चैप्टर है उसके अंदर में मिल जाएगा। तो इसी तरीके से हम लोगों ने भी देखा कि 71 क्वेश्चंस आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस आर फ्रॉम दिस बुक, और इस बुक का नाम है खान ग्लोबल स्टडीज का पॉकेट जीके सामान्य ज्ञान बुक, जो कि किसी भी जनरल कंपटीशन एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए रामबाण बुक होने जा रहा है। हमने आपको यहां पे 10 क्वेश्चंस जो खान सर ने अपने वीडियो में बताया उन सब का हम लोगों ने आपको यहां पे दिखा दिया कि किस तरीके से 10 क्वेश्चंस ही नहीं बल्कि हम लोगों ने यह भी दिखाया कि 71 क्वेश्चंस जो सर ने दावा किया वो इसी बुक से है, और आपको हमने यह भी दिखा दिया उसका हाईलाइट भी कि अभी हम लोगों ने जो 10 क्वेश्चंस पेज नंबर वाइज देखा वो इसी बुक से पूछा गया था। अब आइए एक और बुक है सक्सेस मंत्रा की, जिसके अंदर मैं आपको ट्रिक के फॉर्मेट में आपको सारे सब्जेक्ट्स हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमी ज्योग्राफी साइंस सब कुछ कवर्ड है। अब ट्रिक आप यहां पे देख सकते हो किस तरीके से ट्रिक है। प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के मुख्य स्रोत क्या है, तो धर्म पूर्व पर विशेष, धर्म यानी धर्म ग्रंथों द्वारा, पूर्व यानी पुरातत्व साक्ष्य द्वारा, पर यानी प्राचीन ग्रंथों से मिली जानकारी से, विशेष यानी कि विदेशों से यात्रियों के विवरण से। इसी तरीके से आपको सभी सब्जेक्ट्स में ही सभी सब्जेक्ट में ट्रिक ही ट्रिक मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रह्मांड के बारे में पूर्ण जानकारी, ब्रह्मा कसम मिस मंदाकिनी मिल्क जियो देवा दुआ सब हाय हेलो, और इस तरीके से किस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो कि पूरा ट्रिक जो है इसके अंदर में आपको मिल जाएगा। प्रमुख क्रांतिकारी घटनाक्रम का ट्रिक आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आप प्रमुख क्रांतिकारी घटनाक्रम का ट्रिक यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद आप बात करें तो आप जो भारत के गवर्नर जनरल और वाइस राय थे उससे रिलेटेड जितने भी ट्रिक है वो भी इस बुक के अंदर में आपको मिलेगा, है ना। औरंगजेब ने क्या बंद करवाया, तो बहादुर तुझ पर नौरोज समाप्त और सजन संग कल खुद नाचूंगी, है ना। मुंह में मोती कबूले दीवाना शीश न ख्वाब लाल जामा, है ना। तो इस तरीके के ट्रिक्स आपको पूरा इस बुक के अंदर में मिलेंगे। देवर चौकन्ना सर हुमायूं का, अकबर हमें बैर खाना आदत है, इस तरीके का पूरा ट्रिक इस बुक के अंदर मिलेगा। साथ ही साथ हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि खान सर ने जो अपने वीडियो में बताया था कि बिहार दरोगा के जो एग्जामिनेशन हुआ उसमें इस बुक से 71 क्वेश्चन आया वो कितना सही था कितना गलत था, और हम लोगों ने पेज वाइज पूरा कंप्लीट रिव्यू किया, पेज वाइज पूरा हम लोगों ने ये जांच किया कि सच में जो दावा किया जा रहा था वो दावा कितना सही था कितना गलत था। तो ये बुक अगर आपको ऑर्डर करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक के साथ ही वहां से ऑर्डर कर सकते हो, और अगर एक बुक से सिर्फ 71 क्वेश्चन आ सकता है तो खान सर के फाउंडेशन बैच के क्लास नोट से कितना क्वेश्चन आ सकता है ये आप खुद अंदाजा लगा लो। उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, जिसको आप ऑर्डर कर सकते हो, घर बैठे मंगवा सकते हो, और साथ ही साथ ये जो पॉकेट जीके की बुक है इसको भी आप ऑर्डर कर सकते हो, घर बैठे मंगवा सकते हो, ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी भी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमें और भी मोटिवेशन मिले ऐसे वीडियोस को बनाने में, और थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आपको आपके जितने भी आगामी एग्जाम्स है उसके लिए ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।